स्वागत है गाइस आपका वीडियो में। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पिछली बार आप लोगों को थोड़ा सा इसका प्रीव्यू वगैरह दिखाया होगा कि हम लोग जो ये डंजन कर रहे थे, तो ये देखिए ये वाला जो डंजन है ना, इसमें हमारे जो है ट्रोपडोर कुछ करके नाम आता है, वो जो बड़े डायनो होते हैं दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, टॉर पर बहुत तेज़ी से चढ़ता है। सो ये वाला मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस ये एक तरह से चैलेंजिंग वाला काम है, चलिए देखते हैं कि हम लोग इसको कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक ही एचपी में इसको पूरा कंप्लीट करना है। अगर आपकी एचपी कम होती है तो एचपी आपकी रिकवर नहीं होगी, समझ पा रहे हो आप लोग। चलिए तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि इंटर करने वाला हूँ, मैं कोशिश करूँगा टेक गन यूज़ करने की, जो समझ में आए वो यूज़ करने की, क्योंकि ये बहुत 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 ही हार्ड है। आप कितना हो तेज दौड़ो ये आपको पकड़ ही लेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को विदाउट डिले किए हुए। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई, मैंने अपना स्क्रीन का जो टॉर्च लाइट है उसको कम कर रखा है। देखते हैं, ये देखिए देखिए कितनी तेज़ी से ये सब अटैक कर रहे हैं ना गाइस, मैं आपको बता भी नहीं सकता। इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग इसको क्लियर कैसे करेंगे। कोई दिख भी नहीं रहा अभी फ़िलहाल के लिए, अचानक से पास में आ जाएंगे। मैं बोल रहा था ना दिख भी नहीं रहे हैं, फिर अचानक से पता नहीं कैसे पास में आ जा रहे हैं। चलिए एक मर गया, मैंने गलती कर दी, मुझे थोड़ा सा अपने स्क्रीन का लाइट जो है ऑन कर लेना चाहिए था, जिससे मैं एटलीस्ट क्लियर दिखता तो सही। ये फ्लैंक मार रहे हैं गाइस, ये भी फ्लैंक मारते हैं क्या? मैं पूरा आंखें अपनी गाड़ के बैठा हुआ हूँ। चलिए अब क्लियर दिखेगा थोड़ा सा, मैंने स्क्रीन की लाइट को थोड़ा सा अपने तेज कर लिया। वैसे भी इस कमरे में अंधेरा था जिसकी वजह से मुझे क्लियर दिख नहीं रहा था। ओ पड़ी के बाबा, इसमें एचपी भी रिकवर नहीं होगी। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, इसमें हमारी जो एचपी है ना गाइस वो भी रिकवर नहीं होगी। अगर आप लोग डैमेज लेते हो, मैं देखिए एनर्जी ब्रू ले रहा हूँ, यहाँ पे मेडिसिन भी ब्रू ले रहा हूँ। सो आप लोग नोटिस करिएगा, देखिएगा यहाँ पे जो एचपी है मेरी वो भी रिकवर। अरे मर गया, मैं मर गया। ओ भाई साहब, गन ही नहीं चली हुई इस समय, कितना दौड़ना पड़ रहा है। आप लोग जो देख सकते हैं कितना ज़्यादा रन करना पड़ रहा है मुझे। मेरा गन हिट हो गया, ये टोटल 3 से 4 बार आएंगे। चलिए 2 राउंड क्लियर हो चुका है, रन करना शुरू करते हैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता है ये सब पीछे ही पड़ जाएंगे हमारे। ऑल राइट, इनको थोड़ा सा कॉर्नर की तरफ लेके चलते हैं, यहाँ से खड़े होकर मारते हैं। चलिए रन करते हैं, अभी अपने गन को हीट होने से बचाते हैं, मतलब हीट हो गया होगा तो उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि वो जो है हीटिंग कम कर ले। ऑल राइट, 3 राउंड क्लियर हो चुका है हमारा, लास्ट राउंड है। आई थिंक इस बार जो है मैं इसे पक्का क्लियर कर लूँगा।
क्योंकि जो है पिछली बार इतना ज़्यादा मुझे हार्ड लग रहा था ना, इतना ज़्यादा हार्ड लग रहा था कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। बट अभी जो है ना, अभी उतना हार्ड नहीं लग रहा मुझे, मगर हार्ड है। पड़ी मुझे पड़ी 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 भगले भाई भगले 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 भाई भगले। चलिए भगते हैं थोड़ा सा और। मुझे दोबारा मारेगा, ये दिक्कत हो जाएगी, भगना ही पड़ेगा। आई थिंक ये लास्ट वो नहीं क्या, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, दिख भी तो नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, नहीं दिख रहा मुझे। चलिए तो गाइस ये वाला जो है ना काफी ज्यादा खतरनाक हो गया था, ये वाला डंजन जो है इसको फाइनली किसी तरह क्लियर कर लिया। मैं जरा मैप खोल के देखता हूँ। सो ये वाला हमारा पूरा मैप है, आपको ये दिख रहा होगा। तो अभी हमें जो है क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ की तरफ जाना है। तो देखिए लेफ्ट साइड में हमारे बॉस है और की किस साइड है हमारा, की हमें भी चेक करना पड़ेगा भाई साहब की फैसिलिटी की कहाँ पे, हमारे राइट साइड में है। पहले हमें राइट साइड में जाना है, यानी कि हम लोग दो तरीके से जा सकते हैं, या तो वॉल ट्रैप करके राइट साइड में जा सकते हैं, या फिर विदाउट किसी ट्रैप के हम लोग जा सकते हैं। चलिए तो मैं विदाउट किसी ट्रैप को देखे हुए जा रहा हूँ। रैप्टर के यहाँ पे सामने एक रैप्टर का वो आएगा, रूम आएगा, तो हम लोग जल्दी से चलते हैं। चलिए तो यहाँ पर मैं इंटरनेट ऑफ कर देता हूँ, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है हमें, बैटरी काफ़ी तेज़ी से कंज्यूम करेगा। सो यहाँ पे बीच वाले रास्ते से जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमें ट्रैप वगैरह नहीं मिलने वाला है इस वाले रास्ते से। चलिए अभी किस साइड जाना था, नीचे जाना है, नीचे ही जा रहा ना, हाँ नीचे जाना है गाइस। और पॉइजन से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एचपी जाएगी, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। ये देखिए हमें लेफ्ट में जाना है आई थिंक अब, जी हाँ अब लेफ्ट में जाना है, हमारा रैप्टर का जो है रूम आने वाला है। मेरे पास बोले हैं क्या, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे मेरे पास बोला दिख रहा है, शायद बोला काम आ जाए हमारे। मैं क्या करता हूँ, इस बोले को कहाँ पे लगाऊँ, फिलहाल के लिए बोले को यहाँ पे लगा लेता हूँ। एक बार में अगर दो रैप्टर आएंगे तो एक रैप्टर आएगा तब तो बोला काम आ जाएगा अच्छे से। चलिए टेम्परेचर इंक्रीज करेगा जैसे जैसे रैप्टर आते जाएंगे, वो सामने से आ रहा, वो एक साथ तीन तीन रैप्टर आ रहे हैं गाइस, एक साथ तीन तीन रैप्टर। बाबू ए लिखा गुड, एक गाय लगवाऊ, सेविंग में आ गया। तो ये उतना हार्ड नहीं है, अभी जो सेकेंड या थर्ड राउंड आएंगे सब तब वो हार्ड होंगे। अब जो जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे ये हार्ड होता जाएगा हमारे लिए। दोनों साथ ही में आ रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बोला काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा, बोला निकलने नहीं दे रहा है, आराम से चल के मारेंगे इनको। ऑल राइट दो राउंड हो चुका है, चलिए कम हो गया, लास्ट राउंड। ओ भाई तुम्हारा भाई तो फंस गया रे बाबा, क्या
खैर कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक मेरा आर्मर तब तक बचा लेगा मुझे। इसको भी जकड़ ही लेते हैं, देयर वी गो। चल भाई निकल ले, पहली फुर्सत में निकल ले। ओहो ये तो खुल गया, ऑल राइट। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेट मी चेक गाइस कि मेरा आर्बर अभी तक कितना डैमेज हुआ। ऑलमोस्ट ठीक ही ठाक है, उतना खास डैमेज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर लिया। अब मैं आपको की लोकेशन दिखाता हूँ। रैप्टर वाला हमने क्लियर कर लिया। अब हमें थोड़ा सा एक जो है जंप करना पड़ेगा, स्वैप जंप है। लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ जाना है, राइट साइड में नीचे की तरफ, तो लूट मिलेगी। और उसके बाद जो है बहुत जल्दी हम लोग की तरफ होंगे। तो चलिए स्वैप जंप के पास चलते हैं, लेट्स सी कि कैसा स्वैप जंप है। पहले गन्स को रिलोड मार लेते हैं अपने, देयर वी गो। इधर ही से जाना है ना? ना ना ना, उल्टा जा रहे हैं हम लोग। चलिए इधर से जाना है हमें। ये छोटे मोटे ट्रैप का वो निशान नहीं दिखाता ये। ऑल राइट, चलिए 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 चलिए। आई थिंक अब हमें यहाँ से इधर जाना है। सो ये जंप है, आपको दिख रहा होगा ये वाला जंप है। अगर मैं मर गया तो मुझे फिर से सब कुछ स्टार्ट करके आना पड़ेगा। मैं बहुत ही आलसी हो गया हूँ, मैं सेव करने जाऊँगा नहीं, मुझे पूरा यकीन है। मैं इसको पहन लेता हूँ और मैं जंप लेने वाला हूँ बहुत दौड़ के ही। चलिए तो इसको क्रॉस कर लिया। अब कहाँ जाना है मैं चेक लेता हूँ एक बार। अभी जो है हमें ऊपर की तरफ जाना है और सीधे लेफ्ट चले जाना है। दो क्रेट मिलेगा, लूटते हुए उसको ऊपर चले जाएंगे हम लोग और डायरेक्ट की के पास चले आएंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाना है, यहाँ पे दो क्रेट दिख रहे हैं हमें, एक ये क्या मिला, शॉर्ट गन, अरे गन्स की एमओ मिली हुई हैं, कुछ खास नहीं मिला। एक ये, लेट्स सी इसमें क्या है। दो मेडिसिन ब्रू मिला हुआ है। ऑल राइट, सो अभी जो है ये वाला मेन है हमारा। कहाँ पे भाई, और कहीं रूम है क्या इसमें? ये रहा, मैं गलत जला चला गया, यहाँ पे है इधर। ऑल राइट, सीधे जाना है आई थिंक, यहाँ से सीधे जाना है। ये हमारा की का लोकेशन है भाई। की की बॉक्स कितनी ज़्यादा छोटी है ये देखिए। तो यहाँ पे हमारी की लोकेशन है ये देखिए। अभी जो हमें फिर से दौड़ते हुए वापस जाना है, सारी चीज़ें जैसे हमने क्रॉस करी वैसे ही फिर से वापस जाना हमें। तो वापस जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे पूरा यकीन है। ऑल राइट, आई होप हम लोग इस बार भी ट्रैप वगैरह अवॉइड कर दें। चलिए नीचे की तरफ चल रहे हैं, फिर से आ गया सेम जंप। लेट्स सी इस बार भी लक से प्रयास कर पाते हैं कि नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं वैसे करना रहता है, बस थोड़ा। अरे भाई भाई, ये क्या कर दिया तूने रे? अरे बाबा, ये क्या कर दिया? ओ भाई मुझे डर ही लग गया था, ये क्या हो गया मेरे साथ? चलिए क्रॉस कर दिया मैंने इसको। थोड़ा सा डर इसलिए लग गया था क्योंकि अचानक से हाथ से कंट्रोल चला गया था मेरे। ऑल राइट, क्या मैं उल्टा आ रहा हूँ या फिर सीधा? चलिए सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। ओके गाइस, देयर वी गो, हम लोग आ चुके हैं वापस। ऑलमोस्ट सही जगह पे आ चुका हूँ, इसको ज़रा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। अभी और भी ट्रिप्टोडॉन आने वाले हैं, शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, बट और भी ट्रिप्टोडॉन आएंगे अभी। अभी तो हम लोग बहुत दूर ही हैं ट्रिप्टोडॉन्स के पास से। पिछली बार हम लोग किस जगह से आए थे? हम लोग फिर से वहीं से जाएंगे, अदरवाइज हमें जो है ट्रैप्स का सामना करना पड़ेगा। आई थिंक मैं यहाँ से आया था, मुझे लग रहा है मैं यहाँ से आया था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके सो गाइस, मैं यहीं से आया था, बीच से तो ही निकलना है हमें। चलिए सीधे स्ट्रेट जाना है, ऊपर चले जाना है हमें। ट्रैप वगैरह थोड़ा क्रॉस करना है, इतना जल्दी जा रहे हैं हम लोग ट्रैप करने। ऑल राइट, सो यहीं से ऊपर की तरफ और जाना है थोड़ा सा, यहाँ से लेफ्ट ले लेना है। सो ये वाला रूम था ट्रिप्टोडॉन का, जिसको हमने क्रॉस किया था।
आई थिंक अब जो है हमें नीचे की तरफ जाना है, बिल्कुल नीचे नीचे नीचे, किधर है, समथिंग लाइक दिस हियर, इट शुड बी समवेयर नियर बाई। एक मिनट में फिर से एक बार मैप चेक कर लेता हूँ। सो हमें जो है नीचे की तरफ जाने के लिए सबसे निचला वाला रास्ता लेना पड़ेगा, समझ गया मैं। चलिए आ गए हम लोग गाइस, गेट के पास आ गए। ये हमारा गेट है और मैं गेट में इंटर कर लेता हूँ, और गेट में मैंने इंटर कर लिया। ये देखिए फिर से आ चुका है हमें दौड़ के पार करने के लिए, तो इसको दौड़ के पार करते हैं। चलिए इसको दौड़ के एक बार और फिर से पार करते हैं। ऑल राइट, इसको पार कर दिया मैंने, इसको हटा देता हूँ। चलिए पॉइजन काफ़ी ख़तरनाक है, ये कौन सा रूम आने वाला है। रैप्टर आ रहे हैं, फिर उसके बाद जो है रैप्टर के बाद आएगा ट्रोप्टोडॉन। तो ट्रोप्टोडॉन तो मेरे लिए हार्ड होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि गेम को एक बार फिर से सेव करना पड़ेगा। सब कुछ चलेगा मगर ट्रोप्टोडॉन नहीं चलेगा, क्योंकि रैप्टर तो कुछ सेकेंड के लिए मैं संभाल सकता हूँ, मगर ट्रोप्टोडॉन आप लोगों को पता ही होगा कितना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा मेरे लिए। और लाइट टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ओ भाई इस बार भी तीन तीन रैप्टर आ रहे हैं, मुझे सॉर्ड यूज करना चाहिए। थोड़ा सा डैमेज होगा मगर मैनेज हो जाएगा, क्योंकि मेरे को बोला नहीं बचा तो मैं क्या ही करता। और मैंने वो ले बहुत आर्मर सारे बहुत सारे लेके आए हुए हैं। आर्मर मैंने इसलिए लाया गाइस ना क्योंकि मुझे लगा था कि ये डंजन बहुत ज़्यादा मेरे लिए हार्ड होने वाला है। मुझे नहीं पता था कि नॉर्मल टेक का गन अटेक का आर्मर ही काम चला देगा मेरा इतनी देरी तक। खैर लेके आया वो अच्छी बात है, शायद अब बॉस के रूम में काम आ जाए। हो सकता है बॉस थोड़ा सा हार्ड हो जाए हमारे लिए, तो जितना ज़्यादा आर्मर होगा उतना ज़्यादा फ़ायदे होंगे हमारे लिए। और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि इस बार जो है बॉस कौन सा है, चैली है या फिर वो जो है स्टोन इकट्ठा करता है वो है, वो भी देखना पड़ेगा मुझे। चलिए ये वाला रूम भी क्लियर हो गया, और अभी हम लोग जो है ऊपर की तरफ चलें या फिर एक बॉक्स लूट लें। छोड़े जाने दीजिए, हम लोग डायरेक्ट ऊपर की तरफ बॉक्स के रूम की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो मुझे यहीं पे गेम सेव करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि यहाँ पे ट्रोप्टोडॉन आने वाले हैं। रूम छोटा है और आई डोंट नो कि ट्रोप्टोडॉन से मैं कैसे फाइट करूँगा, तो मैं थोड़ा सा गेम को सेव कर लेता हूँ एक बार। मैं आप मिलता हूँ दो मिनट में। ऑल राइट सो गाइस, मैं आ चुका हूँ गेम को सेव करके। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं और मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन कर ही लेता हूँ। हो सकता है मुझे दूसरी बार भी आना पड़ जाए, देख लेता हूँ आर्मर वगैरह क्या कंडीशन है। आर्मर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं आर्मर से। रिलोड हो जा भाई, मैं टेक गन यूज करने वाला हूँ, क्योंकि बॉस के रूम में तो टेक गन यूज कर नहीं पाऊँगा मैं। मुझे पता ये ख़तरनाक होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि ये बॉस का रूम, ये रूम भी बहुत ज़्यादा छोटा है। ये देखिए, ये मुझे पता था ये मेरे लिए ख़तरनाक होगा। दूसरी बार ट्राई करते हैं, इसलिए मैंने अच्छा किया गेम को सेव कर लिया। वैसे भी मैं अभी मरने ही वाला हूँ इस सेविंग के जस्ट बाद। ये देखिए आ जाने का। ऑल राइट, तो फिर से एक बार आ चुका हूँ सेम जगह पर जहाँ पर हमने पिछली बार सब कुछ छोड़ा हुआ था। तो मैं क्या करने वाला हूँ इस बार भी एक इस बार जो है पहले तो सारी चीज़ें को बफ ले लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी कुछ काम तो आया नहीं, तो बफ ही सही। और कुछ बचा हुआ है? नहीं, और कुछ नहीं बचा हुआ है। चलिए सेम चीज़ फिर से थोड़ा सा करना पड़ रहा मुझे, अपनी टेक गन। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, लैग तो हो रहा है थोड़ा सा मगर काम चल जाएगा। अरे इसने पास में ही फोन ले लिया गाइस। ये मर क्यों नहीं रहे हैं भाई? अरे ये क्या था, इतना इतना ज्यादा हैवी अटैक। ये देखिए एक ही बार में मर गया मैं।
तो चलिए इस बार मैं जो है कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करता हूँ। यहाँ से इसको हटाते हैं, इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। चलिए चल रहा है बोरा भाई। इतना खतरनाक, आई डोंट बिलीव इट, एक शॉट मारा इसने, मुझे पता भी नहीं चल रहा मेरा फोन इतना ज़्यादा तेजी से लैग हो रहा। सो ऑल राइट गाइस, इस वाले को बाद में ट्राई करेंगे, मैं बोर हो चुका हूँ। तीन बार ट्राई किया, तीनों बार लगातार मर गया। तो ये टॉप टॉप डाउन काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो मैं इसको जो है बाद में ट्राई करूँगा, क्योंकि जस्ट इसके बाद जो एक स्टिगो करूँ मैं, उसके बाद जो है बॉस करूँ मैं। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में।